सर ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मिला है सर। मशीन खरीदा जाता है। बिल्कुल, कितना पैसा मिला? महीने का कितना हो जाता है? क्या मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस क्या बताया गया था वहाँ पे? से कुंटल बाकी निकलता कितना है प्रॉपर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग हमेशा सुनते होगा अपने आसपास के माहौल में कि बिहार सरकार एक योजना चलाती है, बिहार उद्यमी योजना, उसमें उसके तहत दोस्तों लोन मिलता है और लोग अपना रोजगार अपने स्तर से लगाते हैं। दोस्तों अनेकों तरह का रोजगार लगाते हैं। दोस्तों उसी रोजगार को आज हम दिखाने आए हैं बिहार के समस्तीपुर जिले में। यहाँ पे एक बिहार उद्यमी योजना के तहत एक उद्योग लगाए हुए हैं। चलिए उनसे मिलते हैं, ये पंचायत गांव का नाम क्या है, कैसे लोन लिए हैं और इस तरह से उद्योग लगा करके और काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर जी स्वागत है। सर जी आप सबसे पहले आप जानना चाहेंगे अभी हम लोग जिस लोकेशन में खड़े हैं इसका एड्रेस क्या है और आपका नाम क्या है? शुभ नाम सर। ये एड्रेस हो गया मोरवा ब्लॉक पड़ता है सर, मोरवा दक्षिणी पंचायत का नाम है और गाँव का नाम उमेदपुर हुआ सर। मेरा नाम देव कुमार पासवान। देव कुमार पासवान। अच्छा देव जी सबसे पहले ये बताइए आप जो इस तरह का सेटअप लगाए हुए हैं, इतना छोटा सा उद्योग लगाए हुए हैं, तो इसके लिए पैसा आपको कहाँ से मिला था और कैसे मिला था? सर ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मिला है सर। बिल्कुल जी। तो आपको लेने में मतलब किस तरह से कैसे कैसे प्रोसेस हुआ थोड़ा बताइए शॉर्ट में हमारे व्यूअर। सर प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं सर, पहले ऑनलाइन इसका होता है। बिल्कुल। फिर उसका लकी ड्रॉ होता है। हाँ हाँ। लिस्ट में नाम आने के बाद फिर उसको ट्रेनिंग होता है, फिर पैसा आता है, फिर मशीन खरीदा जाता है। बिल्कुल। कितना पैसा मिला था आपको? सर हमको अभी तक 8 लाख मिल चुका है। 8 लाख मिल चुका है ना। तो उस योजना के तहत उस पैसे को लेकर के आप इस तरह सेटअप लगाए हुए हैं ना यहाँ पे। ये मशीन कहाँ से लिए हैं? सर ये मशीन सर महुआ से लिए। सर महुआ से लिए, भारत मशीन। तो वहाँ से वहाँ के बारे में आपको सूचना कहाँ से मिला और कैसे मिला? सर वहाँ के बारे में सर यूट्यूब पर सर वीडियो देखे। सर यूट्यूब पर वीडियो देखे थे ना जी। तो वहाँ से गए, तो वहाँ पे गए हुए थे कि आप ऑनलाइन बुकिंग किए थे? नहीं सर वहाँ पे गए थे। वहाँ पे गए पहले एक दो बार देख करके आए, फिर वहाँ से मशीन लाए थे चालू किए। वहाँ पे गया था लगभग कितना वैरायटी मशीन दिखाया गया था आपको मोटा मोटी? सर बहुत वैरायटी का अथी दिखाया गया लेकिन हमको यही पसंद आया था ये मशीन जी। आखिर आपको आपको यह पसंद क्यों आया था? इसमें क्या ऐसा कुछ नजर आया जो आपको पसंद आया? सर इसमें बोला गया कि चलाने में एकदम आसान है। बिल्कुल। और ज़्यादा मेंटेनेंस भी इसका नहीं है। बिल्कुल। और प्रोडक्शन भी एकदम बढ़िया है जी। प्रोडक्शन कितना बताया गया था? प्रोडक्शन तो बताया गया था 90 से 1 क्विंटल निकलेगा सर। 90 से 1 क्विंटल। बाकी निकलता कितना है प्रॉपर? निकलता है 1 क्विंटल 30 किलो तक निकाल देता है सर। ओ मतलब बोला गया था 1 क्विंटल लेकिन निकल रहा है, उससे बढ़िया निकल रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है इस तरह से, मतलब मोटा मोटी कहा जाए तो बहुत अच्छा है। क्या मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस क्या बताया गया था वहाँ पे? आप सर मेंटेनेंस तो थोड़ा सा भी नहीं बताया गया था, है भी नहीं। बिल्कुल नहीं जी। कितना दिन लगाया हुआ हो गया लगभग मोटा मोटी? 5 महीने हो गया सर। 5 महीना? तो 5 महीने से अभी तक 1 रुपया उसमें खर्चा नहीं किया है, कोई कुछ नहीं लगाया है? वो जाली टूट गया था, जाली कुछ लाए बस जाली का था ना। तो जाली मतलब किस तरह से टूट गया था, किस तरह का दिक्कत आया था कि मतलब घिस गया था, पीस गया था, क्या हुआ था? जाली छेदा हो गया था। ज्यादा छेदा हो गया। बाकी 3 फेज का कनेक्शन लिए हुए है ना? 3 फेज का कनेक्शन। इसके अलावा और कौन सा मशीन लिए? सर इसके अलावा ये धान का, धान का वेट क्लीनिंग मशीन है। हाँ साफ सफाई एकदम अच्छा से कर देता। तो ये भी मशीन वहीं से मंगवाया? ये भी वहीं से लिए थे। एक ही साथ लिए थे कि मतलब एक बार पहले ये फिर बाद में? एक ही साथ लिए थे। इस मशीन से हम क्या क्या कर सकते हैं? इससे में धान भी कुटाई हो जाता है। बिल्कुल। धान का मतलब धान से चावल निकाल सकते हैं, कुटाई कर सकते हैं और दलिया भी बना देता है। दाल भी बना सकते हैं और गेहूं का साफ सफाई भी हो जाता है। अच्छा गेहूं का साफ सफाई कर सकते हैं ना। इसका घंटे का प्रोडक्शन क्या रहता है? इसको इतना हाथ नहीं किए जी, इतना टाइम नहीं देखे, टाइम नहीं देखे। अच्छा एक बात बताइए आप जो यहाँ पे इस तरह का पिसाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आसपास के लोग आते हैं लगभग कितना पिसाई डेली करते हैं? सर वही 2.5-3 क्विंटल हो जाता है डेली का। बाकी अगर आसपास के लोग पीसते हैं, इसके अलावा मार्केट में सेल वगैरह भी करते हैं? सेलिंग चालू नहीं, पैकेजिंग के सेक्टर में सेलिंग चालू करेंगे सर। सेलिंग चालू करिएगा। पैकिंग मशीन भी लाना है? पैकिंग मशीन कहाँ से लाने का प्लान है? पैकिंग मशीन सर अभी उतना सोचे नहीं है। अच्छा अच्छा लेकिन लाना दे। चलिए बढ़िया बात है। अच्छा एक बात बताइए ये जो मशीन आप इस तरह से लगाए हुए हैं, भारत मशीन से लाए हैं, तो आप मोटा मोटी महीने का कितना हो जाता है? मोटा मोटी हाँ वही 15 से 18 हज़ार फिलहाल हो जाता है। 15 से 18 हज़ार जी। अगर मान चलिए पैकेजिंग सेक्टर होता है तो उसको और बढ़ाया जा सकता है ना जी। चलिए इससे अच्छा एक बात और बताइए हमारे व्यूअर के लिए स्पेशल ये रहेगा कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर जी जो इसका जो आटा होता है तो आटे का क्वालिटी किस तरह का रहता है? पत्थर वाली चक्की के अपेक्षा शुरू से बहुत बारीक होता है सर। बहुत बारीक होता जी। है जी। रोटी वगैरह बहुत मुलायम होता है ना? एकदम मुलायम होता है। अच्छा इसका आटा पिसाई वगैरह किए हैं, थोड़ा क्वालिटी दिखा दीजिए हमारे व्यूअर को।
देख सकते दोस्तों इसी मशीन से आटा निकाला गया है। कब कब पीसे थे? तुरंत पीसे हैं अभी, एकदम गर्म है सर। देखिए गर्म है ना, क्वालिटी की बात, देखिए क्वालिटी पूरा एकदम बारीक किया गया है इस तरह से, देख सकते आटा ज्यादा हीट भी नहीं होता, एकदम नॉर्मल रहता है। बाकी जर्ती की बात है, जर्ती कितना जाता है इसमें? जर्ती उतना नहीं है सर, जर्ती उतना नहीं है। जो लोग लगाना चाहते हैं इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, अपने घर पर रह करके इस तरह से रोजगार लगाना, तो क्या क्या संदेश देना चाहिएगा? सर रोजगार तो एकदम अच्छा है सर, बिल्कुल पार्ट टाइम भी कर सकता है, बिल्कुल कोई परेशानी भी नहीं है। अच्छा आप जैसे 2-3 क्विंटल पिसाई करते हैं तो लगभग कितना टाइम देना पड़ता है इसमें डेली का? वही आती 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा में हो जाता है। मतलब 2 घंटा काम करके इसके अलावा जो टाइम होता है दूसरा काम भी कर सकते हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अगर आपको यह मशीन लेना है तो कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर कॉल करके बात करके आसानी से मशीन मंगवा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने लगाया और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इस पैसा को और भी बढ़ाया जा सकता है, आप भी बढ़ा सकते हैं। आज तक वीडियो इतना ही, अब मिलते हैं किसी के साथ। बोले जय हिंद, वंदे मातरम।